हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक साइरेट्स, नीत सायर हियर। तो आज मैं आपको इस वीडियो में टॉप 10 एंड्रॉयड ऐप्स ऑफ 2018 के बारे में बताऊंगा। इन सभी ऐप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 2018 की मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो यार अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. फर्स्ट ऐप इस लिस्ट में है ड्रॉप वी कार्ड्स। तो अगर आपको कभी भी कोई विजिटिंग कार्ड देता है तो आपको उसका कॉन्टैक्ट अपने डिवाइस में सेव करना पड़ता है, लेकिन इस ऐप की हेल्प से जस्ट आपको उस विजिटिंग कार्ड को स्कैन करना होगा और उसकी सभी डिटेल्स ऑटोमेटिकली एक कॉन्टैक्ट के फॉर्म में आपके डिवाइस पर सेव हो जाएंगी। आप उसे एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, देन आप उसे सेव कर सकते हैं। आप अपने वी कार्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट आपको अपने फेसबुक, लिंक्डइन एंड गूगल पर एक्सेस देना होगा एंड वहां से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके ये आपका एक वी कार्ड बना देगा, या फिर आप अपने विजिटिंग कार्ड को भी स्कैन कर सकते हैं। तो आगे से अगर आपको कभी भी किसी विजिटिंग कार्ड से किसी कॉन्टैक्ट को सेव करना हो तो जस्ट आप इस ऐप की हेल्प से उसे स्कैन कर लें एंड आपका कॉन्टैक्ट सेव हो जाएगा एंड नो टाइपिंग। तो इस ऐप का कंसेप्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट ऐप इस लिस्ट में टच कंट्रोल्स फॉर यूट्यूब। इस ऐप को एनेबल करने के बाद आप अपने यूट्यूब ऐप पर स्लाइड करके आप वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये फीचर आपको फ्री में मिलता है, लेकिन अगर आप ब्राइटनेस कंट्रोल ऑप्शन को भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसका प्रीमियम वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। तो ये भी काफ़ी यूजफुल ऐप है वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। एंड प्रीमियम वर्जन में आपको और भी कई सारे फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि टैप एक्शन, डबल टैप एक्शन, लॉन्ग प्रेस एक्शन, वॉल्यूम कंट्रोल एक्शन, टैप एनीवेयर टू कैंसिल ऑटो प्ले, डबल टैप एनीवेयर टू कंफर्म। इस टाइप के फीचर्स आपको प्रीमियम वर्जन में मिल जाएंगे। तो अगर आप इन सभी फीचर्स को यूट्यूब ऐप पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसकी प्रीमियम सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, इस ऑप्शन को यूज़ करने में मज़ा आता है। नेक्स्ट ऐप है HQ ट्रिविया। इस ऐप के अंदर डेली कॉन्टेस्ट होता है जिसमें आपको 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप उनका आंसर सही दे देते हैं तो आप एक प्राइज मनी जीत जाएंगे। तो जैसे कि अगर प्राइज मनी आज $2,000 की है तो जितने भी लोग इस कॉन्टेस्ट को विन करेंगे तो उन सभी में ये प्राइज मनी डिवाइड हो जाएगी। तो आप इस कॉन्टेस्ट को विन करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और अगर मैं इसके इंडियन टाइमिंग की बात करूं तो ये कॉन्टेस्ट रोज 7:30 AM पर स्टार्ट होता है एंड वीकडेज पर यह 1:50 AM पर स्टार्ट होगा। तो अगर आप कुछ अर्निंग करना चाहते हैं कॉन्टेस्ट को विन करके तो आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको इस ऐप पर एक प्रोफाइल बनानी है और अगर आप एक्स्ट्रा लाइफ चाहते हैं तो आप इस ऐप को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे ही वो आपके रेफरल कोड को यूज़ करेंगे और एक गेम प्ले करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा लाइफ मिल जाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट ऐप इस लिस्ट में है व्हाट्स रिमूव्ड। तो जैसे कि आपको पता होगा कि व्हाट्सएप पर एक नया फीचर आ गया कि डिलीट फॉर एवरीवन, एंड अगर सेंडर उस मैसेज को डिलीट कर देता है तो रिसीवर उस मैसेज को रीड नहीं कर पाता, लेकिन व्हाट्स रिमूव्ड ऐप आपके सभी व्हाट्सएप मैसेजेस को ट्रैक करता रहेगा। जैसे ही कोई बंदा किसी मैसेज को डिलीट करता है तो आपको नोटिफिकेशन पर शो हो जाएगा कि उस बंदे ने इस मैसेज को डिलीट किया। तो मतलब साफ है कि कोई भी बंदा अगर किसी मैसेज को डिलीट करेगा वो आपको शो हो ही जाएगा। और इस ऐप की सबसे बेस्ट बात यह है कि इसमें आप ओनली मैसेजेस को ट्रैक नहीं कर सकते, इसके साथ साथ आप इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स सभी को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये ऐप भी बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि ये व्हाट्सएप की लेटेस्ट फीचर को क्रैक कर रहे हैं। तो मैं तो जरूर कहूंगा कि आप व्हाट्सएप रिमूव्ड ऐप को यूज करें। नेक्स्ट ऐप है ग्रेविटी लॉन्चर। ये ऐप भी बहुत ही अमेजिंग है। इस ऐप में आपको कुछ ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन जो आपके ऐप्स होंगे वो ग्रेविटी को फॉलो करेंगे। जैसे कि अगर आप अपने डिवाइस को इस साइड को टिल्ट करेंगे तो सभी ऐप्स इस साइड को शिफ्ट हो जाएंगे, एंड अगर आप अपने डिवाइस को दूसरी साइड टिल्ट करेंगे तो वो सारे ऐप्स ग्रेविटी को फॉलो करते हुए उस साइड मूव हो जाएंगे। एंड ऐप्स को फाइंड करने के लिए आपको इस सर्च ऑप्शन पर टाइप करना पड़ेगा एंड देन आप अपने ऐप को फाइंड कर सकते हैं। तो जस्ट यही है इस ऐप में, लेकिन ये ऐप सिर्फ फन के लिए है। आप इस ऐप को डेली पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि आप समुंदर में से अपने ऐप को फाइंड नहीं कर सकते, और अगर फाइंड कर भी लिया तो टैप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड अगर आप इस लॉन्चर के फॉन्ट्स चेंज करना चाहते हैं या फिर इफेक्ट्स चेंज करना चाहते हैं तो आप इस ऐप की सेटिंग में जाकर आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐप इस लिस्ट में है फोंटी। इस ऐप की हेल्प से आप अपने कस्टम फॉन्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आपको इस ऐप को ओपन करना है एंड देन यहाँ पर आपके पास नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा न्यू का, तो आपको उसे सिलेक्ट करना है एंड सभी अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक लेटर्स को राइट करने के बाद आपको जस्ट ओके कर देना है एंड देन यहाँ पर आप टाइप करके देख सकते हैं कि आपके फॉन्ट सही लग रहे हैं या नहीं। तो अब आप इन कस्टम फॉन्ट्स को किसी पोस्ट को क्रिएट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इन फॉन्ट्स को आईफोन ऐप की हेल्प से अपने डिवाइस पर इंस्टॉल कर सकते हैं और आपके डिवाइस के सभी फॉन्ट्स इन कस्टम फॉन्ट्स में क्रिएट हो जाएंगे। तो ये काफ़ी कूल ऐप है।
नेक्स्ट ऐप है ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स। ये एक सिक्योरिटी बेस्ड ऐप है। यहाँ पर आप अपने कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर कुछ बेस्ट फ्रेंड्स को। तो जैसे कि अगर आप कभी किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो आप इस सिंगल बटन को यूज़ करके अपने सभी कॉन्टैक्ट्स के साथ अपनी लोकेशंस को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनमें से कोई ना कोई तो आपकी हेल्प के लिए आएगा ही, और अगर आपके अच्छे रिलेशन हैं तो सभी भाग कर आपकी हेल्प करने आ जाएंगे। एंड अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड की लोकेशन को जानना चाहते हैं तो यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है आस्क फॉर लोकेशन का, और आपके टारगेट का डिवाइस रिंग करना स्टार्ट कर देगा। एंड देन उसके बाद दो ऑप्शन होंगे, या तो वो लोकेशन को शेयर कर दे या फिर उसे रिजेक्ट कर दे। तो इस टाइप से पेरेंट्स अपने किड्स का ध्यान रख सकते हैं। और अगर आपका फ्रेंड कभी झूठ बोल रहा है कि मैं यहाँ पर पहुँच गया, तब इस ट्रिक को यूज़ करके आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस भी कर सकते हैं और उसका झूठ पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट ऐप इस लिस्ट में है ऑटो टाइल्स। ये ऐप एंड्रॉयड नूगट और उससे अबव वर्जन वाले डिवाइसेस पर वर्क करता है। इस ऐप की हेल्प से आप कस्टम टाइल्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे टाइल्स के ऑप्शंस दिए गए हैं जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं इन्हें सबको बोलने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा एक ही ऐप पर। तो आप इन सभी एक्टिविटीज़ को चेकआउट कर सकते हैं, कनेक्टिविटी, लोकेशन, ये सब आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट कर लें और अपनी एक यहाँ पर कस्टम टाइल क्रिएट कर लें। एंड देन उसके बाद आपको ओके कर देना है। एंड उसके बाद आपको अपने नोटिफिकेशन ड्रॉअर में जाना है और इस पेंसिल बटन पर टैप करना है और अपनी कस्टम टाइल को यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद आपकी कस्टम टाइल यहाँ पर शो हो जाएगी। एंड देन आप उसको ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं क्लैश रॉयल को इस सिंपल टाइल से ही ओपन कर पा रहा हूँ एंड अपने म्यूजिक प्लेयर को भी सिंपल टाइल से ही ओपन कर पा रहा हूँ। तो इस टाइप की आप कस्टम टाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐप है लेंस डिस्टॉर्शन। इस ऐप की हेल्प से आप अपनी इमेजेस को एक्स्ट्रा इफेक्ट्स दे सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट इफेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे ल्यूमिनरी, प्रिंसिपल लाइट हिट्स एंड लाइट हिट्स, फॉग इफेक्ट्स दिए गए हैं, रेनिंग इफेक्ट्स दिए गए हैं, स्नोई इफेक्ट्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, लेगेसी इफेक्ट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। इस टाइप के सभी इफेक्ट्स को आप अपनी इमेजेस पर ऐड कर सकते हैं एंड इन्हें अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं। एंड अगर आप एक ही इमेज पर मल्टीपल इफेक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड लेयर ऑप्शन को चूज़ करके कर सकते हैं। एंड आप अपने इफेक्ट्स की सॉफ्टनेस, ओपेसिटी, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट एंड सैचुरेशन, कलर एक्सेट्रा को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। एंड फुली एडिटिंग करने के बाद जस्ट आपको इस बटन पर टैप करना है एंड आप इस इमेज को सेव कर सकते हैं या फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। तो इस ऐप की हेल्प से आप बहुत ही कूल इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट ऐप इस लिस्ट में है शट अप। इस ऐप की हेल्प से आप अपने डिवाइस की ऑडियो स्ट्रीम्स को सिंगल टैप से ही डिसेबल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होगा सिलेक्ट स्ट्रीम्स का, एंड देन जो भी ऑप्शंस को आप यहाँ पर डिसेबल करना चाहते हैं सिंगल टैप से आप उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, नोटिफिकेशन हो, फोन रिंग हो, सिस्टम साउंड हो या फिर फोन कॉल्स हो। तो जैसे कि मैं मोस्टली नोटिफिकेशन साउंड को डिसेबल रखना प्रेफर करता हूँ तो मैं उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। एंड देन जस्ट आपको शट अप ऐप का एक विजिट अपनी होम स्क्रीन पर ऐड करना होगा। एंड देन जैसे ही आप उस विजिट पर टैप करेंगे आपका डिवाइस साइलेंट हो जाएगा। तो जस्ट एक सिंपल टैप से आप अपने प्रेफरेबल ऑडियो स्ट्रीम्स को डिसेबल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, एंड इस वीडियो को भी लाइक करें। अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी करें, तो पता तो चलेगा कि लोग क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में। एंड देन शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।